फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयुषी लिटर्स। और मैं हूँ आयुषी और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप घर पर अपना फ्रूट फेशियल कैसे कर सकते हैं, जिसको मैंने 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यूज कर रही हूँ सेमोलिना या सूजी। आपको 2 चम्मच सूजी लेनी है एंड उसके अलावा आपको एक टमाटो लेना है। उस टमाटो को आप 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर लीजिए। उसके बाद एक टमाटो का स्लाइस लेकर आप सूजी में इस तरह से डिप कर लीजिए एंड उसको अपने फेस पर आपको ऐसे स्क्रब करना है। सूजी एक नेचुरल स्क्रब का काम करती है, जो आपकी स्किन से सारे डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने में हेल्प करती है। ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है एंड टमाटो के अंदर स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जो आपकी स्किन को फेयर बनाने में हेल्प करते हैं। ये आपकी स्किन के ग्लो को रिवाइव करती है, क्योंकि टमाटो के अंदर विटामिन सी होता है, जो आपकी स्किन को नेचुरली ब्राइट एंड फेयर बनाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन के होता है, ए और विटामिन ई भी होता है, साथ में विटामिन B6 होता है, जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके अंदर फॉस्फोरस एंड बायोटिन भी होता है, जो आपकी स्किन को हेल्दी बनाने में हेल्प करता है। 10-15 मिनट तक आपको अपने स्किन को स्क्रब करना है। उसके बाद 10 मिनट तक इसको ड्राई करिए एंड अपने फेस को वॉश कर लीजिए। मैं इसको एक स्क्रब से रिमूव कर रही हूँ, या इसको आप स्पॉन्ज भी बोल सकते हैं। एक सॉफ्ट स्पॉन्ज लेकर आपको अपनी स्किन को ऐसे साफ करना है, इससे और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। अगर आपके पास स्पॉन्ज नहीं है तो आप उसकी जगह कोई एक कॉटन का क्लॉथ भी यूज़ कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छा ग्लो आपको महसूस होगा, आप फील कर पाएंगे उस ग्लो को। अच्छे से फेस को क्लीन कर लीजिए, फेस वाइप्स भी आप यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सेकंड स्टेप में मैं यूज कर रही हूँ एक फेस मास्क, जो कि फ्रूट से बनाया है। इसके लिए सबसे पहले मैं यूज कर रही हूँ 1/2 एप्पल, ऑरेंज एंड 1 स्लाइस ऑफ पपाया। आप इन तीनों ही चीज़ों को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए एंड उसके बाद उनको ब्लेंड करना है आपने एंड एक थिक कंसिस्टेंसी का पेस्ट आपको बनाना है। फ्रेंड्स, अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है, तो आप इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो भी डायरेक्ट इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपकी स्किन अगर बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऑफ हनी ऐड कर लीजिए। ड्राई स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन के लिए भी ये मास्क परफेक्ट है। सबसे पहले आप अपने फेस को गर्म पानी में भिगोए हुए एक कपड़े से वाइप ऑफ कर लीजिए और उसके बाद आपको ये फ्रूट मास्क अपने फेस पर इस तरह से लगाना है। इसे ब्रश से मत लगाइएगा, इसे हाथ से लगाइएगा, क्योंकि जितने भी बेनिफिट्स इसके अंदर हैं वो आपकी स्किन अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगी। धीरे धीरे लाइट हैंड से मसाज भी करिए, आप फील कर पाएंगे कि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाता है। फ्रेंड्स, इसके अंदर पपाया है, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं लाइक कैरोटीन, इसके अंदर विटामिन सी, विटामिन बी एंड फोलेट भी होते हैं, जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। इसके अंदर पोटेशियम, कॉपर, मैग्नीशियम एक्सेट्रा होते हैं, जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करते हैं, आपके एक्ने एंड पिंपल्स को ये रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। साथ में ही ये डार्क स्पॉट्स को भी ट्रीट करता है, लाइटन करता है। इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइट करती है। आप इसे 20 मिनट के बाद नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। इसके अंदर एप्पल और ऑरेंज भी है, जिनके अंदर बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि इसके अंदर विटामिन सी, कॉपर एंड पोटेशियम होता है, जो आपकी स्किन को ग्लो करने में हेल्प करता है। आप सुपर फ्रेश फील करेंगे
ऑरेंज के अंदर स्किन लाइटनिंग एंड स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं एंड ये आपकी स्किन को 10 साल तक यंग बनाने में हेल्प करता है। तो आप इस फ्रूट मास्क को ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप इसको 3 से 4 दिन डेली सिर्फ इस मास्क को यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। फ्रेंड्स, थर्ड स्टेप में मैं यूज़ कर रही हूँ ये मसाज। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप रोज़ वाटर यूज़ कीजिएगा, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप कोकोनट ऑयल यूज़ कीजिएगा। मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा बेबी लोशन एंड साथ में मिक्स कर रही हूँ रोज़ वाटर। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कीजिए एंड अपने फेस को इससे आपको मसाज करना है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ऑफकोर्स आप कोकोनट ऑयल यूज़ कीजिए। ये सिंपल मसाजिंग टेक्निक्स हैं जो आप आराम से अपने घर पर कर सकते हैं एंड आपको 10 से 15 मिनट तक अपने स्किन को मसाज करना है। अगर आपको चबी चीक्स चाहिए तो आप इसको ऐसे अपवर्ड्स लिफ्ट कीजिए, ऐसे मसाज आपको करना है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो सब्सक्राइबर्स हैं, कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि आपको डबल चिन कैसे कम करना है और चबी चीक्स कैसे चाहिए। तो अगर डबल चिन कम करना है तो उसको नीचे की तरफ आपको ऐसे मसाज करना है, इससे आपको डबल चिन में हेल्प मिलेगी। 3 to 4 टाइम्स एक वीक में आप मसाज कर सकते हैं। अगर आपको चबी चीक्स चाहिए तो अपवर्ड्स एंड डबल चिन नहीं चाहिए तो डाउनवर्ड्स। अपने फेस को रिलैक्स कीजिए, मसाज कीजिए, बहुत सॉफ्ट हैंड से मसाज करना है। अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए, बहुत ज़रूरी है अपने आप को टाइम देना, अपने स्किन को टाइम देना। नोज़ एनहांसमेंट के लिए आप इसको ऐसे मसाज कीजिए जिससे आपकी नोज़ की जो बोन होती है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन महसूस करती है, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ती है जिससे कि ब्लैक हेड्स वगैरह नहीं होते हैं, आपको ओपन पोर्स क्लोज हो जाते हैं। आप ऐसे 10-15 मिनट तक अपने फेस को मसाज कीजिए। मसाज करने से ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज़ होती है एंड साथ में ही आपकी स्किन में ऑक्सीजन पहुंचता है जिससे आपकी जो ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है एंड कोलेजन प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है। आपकी स्किन बहुत ही हेल्दी बनती है एंड आपकी जो फेस मसल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है। आपकी रिंकल्स को ये दूर करने में हेल्प करता है। तो फेशियल मसाज, आप ये सिंपल टेक्निक्स हैं, बहुत सिंपल हैं, इसके लिए आपको कुछ अलग से नहीं करना है। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद अपने फेस को आप नॉर्मल वाटर से वॉश कर सकते हैं। कनेक्टेड रहने के लिए इस रेड सब्सक्राइब बटन को एंड साथ में बेल को क्लिक कर दीजिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड इसको अपने फैमिली एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। आप इस वीडियो को व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं जिससे आपके फ्रेंड्स की भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। एंड अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए जिससे आगे आने वाली और बेहतरीन वीडियो के साथ आप कनेक्टेड रह सके। अपना ख्याल रखिएगा, मिलती हूँ और बहुत जल्द एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। Till then, bye-bye and take care.